तो अभी हम लोग मूवी देख के निकल गए हैं। अच्छा बना, अच्छा था मूवी और बहुत इमोशनल था, तो सब रोने लग गया था। तुम लोग फैमिली वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फिर सही नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि आज पूर्णिमा है और राखी 12 तारीख को है हम लोग के यहाँ, 12 तारीख को 7 बजे तक। तो आज पूर्णिमा के दिन वैसे राखी होता है लेकिन इस बार नहीं है, नेक्स्ट डे है। पे हर महीना पूर्णिमा का पूजा होता है, तो पंडित जी अभी आएंगे, मतलब 10:30 बजे से टाइमिंग था, तो आप पंडित जी आएंगे, पूजा कराएंगे पूर्णिमा का, आपको ज़रूर दिखाएँ। और उसके बाद आज, मतलब कल वाले ब्लॉग में आपको बताए थे कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आज वाले ब्लॉग में, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और कुछ नया चीज़ दिखाने वाले हैं। तो चलिए, पुष्पांजलि ओम भूभुवस्वः ओम श्री कृष्णाय गणेशाय देवताभ्यो नमः। हे गाइस, तो पूर्णिमा का श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजा अभी चल रहा है, जिसपे निखिल जी बैठे हुए हैं, पूजा पंडित जी करा रहे हैं। अभी पूजा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का कुछ प्लानिंग है और अभी निखिल जी को पता नहीं है, तो मतलब पूजा हो जाए तो उसके बाद इनको बताएंगे। अभी अब हम लोग तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और वहाँ जाके बताएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा सस्पेंस है, उतना भी ज़्यादा सस्पेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे। तन्नू भी चली गई टोटो लाने। तो अभी हम लोग निकल गए और रोड इतना खराब है कि टोटो ढक ढक कर रहा है। जा रही है 11, कहाँ जा रही है बैग लेके बोलो, कहाँ, क्या बोल रही है? वाह। तो अभी हम लोग पहुँच गए और कहाँ पहुँचे हैं अभी आपको दिखाते हैं। कहाँ पहुँची हो? हम लोग आए रक्षाबंधन मूवी देखने। तो हम लोग आए हैं यहाँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो है आज ना, पहली बार। चलो, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, लाल सिंह चड्डा भी लगा हुआ है और अभी हम लोग रक्षाबंधन देखने जा रहे हैं। 10-15 मिनट निकल चुका है, जल्दी चलो ना, स्टार्ट भी हो गया। चलो। कौन सा बैंक लूट के लामा कॉमेडी कर रहा है। पहले एक बहन होती, कब करूंगा मैं अपनी जवान बेटी की शादी। फिल्म स्टार्ट हो गया था, हम लोग 15 मिनट निकल चुका है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब हो सकता है समझ में आ जाए। कौन सी गंदी बात, कौन सी गंदी। हे गाइस, तो अभी मूवी चल रहा है, 15 मिनट तो हम लोग का निकल गया था, तो लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नेहा यहीं पे बैठी हुई है, अंधेरा आ रहा है बिल्कुल, फेस नहीं पता चल पा रहा है, लाइट जलाओ, अब भी नहीं आ रहा, अब आ रहा है। तन्नू उधर है, अभी इंटरवल हुआ है, देख रही हो, अभी तो पहला पार्ट इंटरवल से पहले तो कॉमेडी था, एक ही घंटा में हो गया। अभी बज रहा है कितना, एग्जैक्ट 3:30 और 2:30 बजे स्टार्ट हुआ था, लगता है 2 घंटा का। 2 ही घंटा होगा, 2 या 2.25 घंटा का। तन्नू कह रही है हमको समझे में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल मूवी भी है थोड़ा बहुत, अभी तो आगे हो गया था इमोशनल, अभी तो कॉमेडी था, इंटरवल से पहले तो कॉमेडी ही था टोटल, इंटरवल से पहले कॉमेडी और इमोशन दोनों मिक्स था। अभी हम लोग सब इंटरवल पे लंच कर रहे हैं ना, लंच ही हो गया ना, स्टार्ट हो गया है मूवी, ऑन हो गया। भगवान लंबी उम्र दे इसे। गाइस, तो अभी हम लोग मूवी देख के निकल गए हैं, अच्छा बना और बहुत अच्छा मूवी था। तुम लोग बताओ कैसा लगा, पहले तुम बताओ। अच्छा था मूवी और बहुत इमोशनल था, तो सब रोने लग गया था। तन्नू का फेस अभी तक रोने वाला बना हुआ है। कैसा लगा? वो तो अच्छा लगा, पहला कॉमेडी था, बाद में बहुत इमोशनल था। कॉमेडी देखने पाए। हाँ, फर्स्ट पार्ट के बाद कैसा लगा मूवी? अच्छा था, ये अच्छा था, बहुत इमोशनल है, टचिंग मूवी है। और ओकेजन हाँ, आंसू थोड़ा बहुत आ गया था,
इमोशनल मूवी है, बहुत ज्यादा था। मतलब हर मूवी में होता है थोड़ा बहुत, दो तीन मिनट के लिए ही, तो हमको लगता है पंद्रह। सोशल कॉज को भी दिखाया है कि डाउरी सिस्टम कैसे गलत है, और है अच्छा मूवी है, सबको देखना चाहिए। रक्षाबंधन के ओकेजन पे आया है, थीम है रक्षाबंधन, तो देखना चाहिए सबको। चलो घर चलो। कहाँ गई थी बैग लेके, कहाँ गई थी? हाँ मौसम। और अभी दही पूरी खाने के लिए रुकी है नेहा तनु। हम तो नहीं खाएंगे, हम खाना खा के जाके खाएंगे कढ़ी चावल बना। हाँ खा लेंगे, और टेस्टी दही पूरा, सॉरी दही पूरी बन रहा है। दे दी ऑर्डर, चाट का दे दो। क्या रहा, मत जाना बेटा कहीं, क्या कर रही है? नहीं खाएंगे और खा रहे हैं। तो कितना थोड़ा सा है देखो, और ये भी खा रही है, देखिए हम ही बस नहीं खा रहे। हाँ, मेरे पास भी मोमोज आ गया है, मोमोज मूवी देख के आ गए हैं, और अभी क्यारा को लालच दे रहे हैं। क्यारा लेगी बेटा, आ जा पहले उम्मा दो पहले पापा को, पहले उम्मा दो। आहा, अब ये रहा तुम्हारा चॉकलेट, ये गया मम्मी के पास। तब मत देना तब उम्मा देगी तब देगी। गाइस तो हम लोगों को तो मूवी काफ़ी पसंद आया, कैसे एक मतलब भाई बहन के प्यार को दर्शाया गया है। तो हे गाइज, बेसिकली इस मूवी में अक्षय कुमार की चार बहन रहती है, और उनकी माँ मरने से पहले उनको वादा करके जाती है कि पहले बहनों की शादी करना, फिर तुम अपनी शादी करना। तो अक्षय कुमार बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करते हैं अपनी बहन के शादी करने के लिए, और एक बहन के शादी होने के बाद बहुत ही बड़ी ट्रेजडी घट जाती है, और उसके बाद पूरा फिल्म का स्टोरी चेंज हो जाता है। कैसे हमारे समाज में एक कुप्रथा चलते आ रही है दहेज की, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है इस मूवी में। तो आपको ये मूवी देख के ही समझ आएगा, तो मेरा सजेशन ये मूवी ज़रूर देखें। और ये फिल्म में दहेज के मुद्दे को उठा के बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। हम लोग को तो बहुत पसंद आया मूवी, और आप लोग को भी ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। 2 घंटा का बस मूवी, आप लोग देख सकते हैं। मतलब पहला इंटरवल से पहले तो बिल्कुल कॉमेडी था, और इंटरवल के बाद मतलब बिल्कुल रोना ही, मतलब आपको रोना ही आएगा। पहला मूवी था जो हमको लगता है 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू रुलाया है। हाँ, मतलब पूरे थिएटर को। और ये इसमें मतलब बताता है कि हर घर में एक बेटी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग ये मूवी बिल्कुल देख सकते हैं अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, फ्री में प्रचार मूवी का। कम से कम 2-4 व्यूज तो आ जाएगा इसी का, मूवीज़ का। तो यहीं पे एंड करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।